सत श्री अकाल तुसी सुन रहे हो न्यूजीलैंड का नंबर वन पंजाबी रेडियो साडेला रेडियो 87.8 FM। मैं हाँ मनदीप कौर संधु लैके हाजिर हाँ पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान दे सरकारी घर दी रेनोवेशन दी चिट्ठी ते घमासान मचिया होया है। विरोधी लगातार इस ते सियासी तंज कसदे हुए नजर आ रहे ने और मंत्री ने 2 to 3 crore दे कम दसे ने, पर इस नू लेके वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा है कि मेरी अनमोल गगन मान दे नाल गलबात हुई है, उन्होंने अजही कोई चिट्ठी नहीं भेजी है। उन्होंने श्रोमणी अकाली दल बादल अते कांग्रेस अते भाजपा दे आईटी सेल ते झूठ फैलाउण दा दोष लगाया है। इस तो पहला आम आदमी पार्टी ने भी इस चिट्ठी नू झूठा करार दिंदे हुए कहा सी कि कांग्रेस वाले खुद अजिहियां चिट्ठियां बना के इसका प्रचार कर रहे ने। मंत्री अनमोल गगनमान दे नाम तो एक चिट्ठी वायरल हुई सी जिस विच मंत्री दे साइन होण दा दावा किया गया सी। इस विच लिखा गया सी कि सरकारी घर च स्विमिंग पूल बनाया जाए, हर कमरे च 65 inch दी LED लगाई जाए। कांग्रेस ने यह लिस्ट शेयर करते हुए कहा कि मंत्री ने उन्होंने अलॉट किए हुए 39 चंडीगढ़ सरकारी घर 953 34 काम दसे ने और जिस तो बाद लगातार सियासी बवाल मच गया। पंजाब दे एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस ने खरड़ दे देसू माजरा सरकारी स्कूल दी अचनचेत चेकिंग की। इस दौरान स्कूल दे कई क्लासरूम च बच्चों दे बैठन दे लई फर्नीचर तक नहीं सी। इस तो इलावा कई तरह दी होर मुश्किलां दा सामना बच्चों नू करना पै रहा सी। तो सिक्ख्या मंत्री बैंस ने दौरे तो बाद कहा कि इन्नियां कमियां होण दे बावजूद भी साडे अध्यापक कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अजिहियां कई तरह दी समस्यावां ने। ग्राउंड विजिट च असीं असली स्थिति दे बारे सानूं पता लगा ते इस दीआं कमियां च सुधार कीता जाएगा। दस दिंदे हां कि 3 हफ्ते पहला इसी स्कूल च बारिश दे करके पानी भर गया सी। क्लासरूम तो लैके ऑफिस तक पानी जमा हो गया सी, जिस तों बाद स्कूल च छुट्टी करनी पई। इस तों बाद मंत्री बैंस ने तुरंत ऑफिसरां नूं कह के उत्थे भेजा सी। हालांकि हुण भी स्कूल दी इमारत दीवार दे करके खस्ता हालत है, पर हुण एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि इस च जल्दी सुधार किया जाएगा। लोक सभा च सोमवार नूं बिजली सोध बिल 2020 पेश किया गया, जिस विच बिजली वंड खेत्र च बदलाव करन ते रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रणाली नूं मजबूत बनाउण दा प्रस्ताव पेश किया गया। हेठले सदन विच ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बिजली सोध बिल 2020 पेश किया। इसका कांग्रेस DMK ते तृणमूल कांग्रेस ने कुछ विरोधी पार्टियां दे मैंबरां वल्लों विरोध किया गया ते इस नूं संघी ढांचे दे खिलाफ दस्सिया गया। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल सिविल कोर्ट जीरा पहुंचे। उस साल 2017 च दर्ज हुए मुकदमे संबंधी पेशी भुगतने लई सिविल कोर्ट च हाजिर हुए सी। दस दिए कि साल 2017 च नैशनल हाईवे नंबर 54 जाम करन नूं लैके थाना मखू च सुखबीर बादल तो इलावा कई होर नेतावां खिलाफ मामला दर्ज किया गया सी। इस मामले च पेशी भुगतन दे लई सुखबीर बादल कोर्ट पहुंचे सी। PGI तो बाद पंजाब दे मरीजां नूं चंडीगढ़ दे दो वड्डे हस्पतालां GMCH 32 अते GMSH 16 विच आयुष्मान भारत स्कीम तहत लाभ मिलना शुरू हो गया। GMCH 32 विच आयुष्मान भारत योजना दे नोडल ऑफिसर डॉक्टर दासली हरीश ने दस्या कि हुण स्कीम दे तहत जिहड़ा इलाज मिलेगा। हालांकि सरकार वल्लों ये राशि देण दा भरोसा दित्ता गया, पर हाल तक खाते च राशि जमा नहीं हुई है, पर मरीजां दे हितां नूं देखदे हुए स्कीम देण दा लाभ जिहड़ा असीं कर लिया है। और इस दे नाल ही भारत दी स्टार शटलर PV सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेडां 2022 दे आखिरी दिन सोन तमगा जित्तिया। उन्हां ने बैडमिंटन महिला सिंगल्स मैच विच कैनेडा दी मिशेल ली नूं हरा के सोन तमगा जित्तिया। सिंधु ने इस तों पहलां सैमीफाइनल मैच विच भी शानदार प्रदर्शन किया सी ते उसने इस नूं बरकरार रख्या ते सोन तमगा जित्त लिया। राष्ट्रमंडल खेडां 2022 च भारत दा इह 19वां सोन तमगा है। सिंधु ने फाइनल मैच विच कैनेडियन शटलर मिशेल नूं हरा दिता सी और 2-0 दे फर्क नाल उस नूं हराया है। कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने कहा है कि पंजाब च कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पटवारियों दीआं 1000 तों वध पोस्टां खाली कीतियां गईआं ने। असल च इह कांग्रेस सरकार ने 2000
2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਫਿਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ NOC ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 600 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ 87.8 FM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।